गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. सो टुडे आई विल बी डूइंग सफोरा हॉल. मैंने बहुत कुछ शॉपिंग करी है सफोरा से. मैं 2-3 घंटे लगा के वहाँ पे कुछ ना कुछ लेती रहती थी, क्योंकि मैंने ना अपनी लिस्ट बना के आई हुई थी कि मुझे ये सब चाहिए. एंड कुछ चीज़ें इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, या थी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. यहाँ पे बहुत चीप हैं इंडिया से, और ओरिजिनल है. एंड इंडिया में अगर कुछ पेजेस ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे जो देते हैं प्रोडक्ट्स, बट आई फील दैट दे आर फेक. मे बी कुछ रियल भी होंगे, बट जिनसे मैंने लिया, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, मुझे वो फेक लगे हैं. जब मैंने ये यूज़ करा और वो यूज़ करती थी, इतना डिफरेंस है. आई ऑलवेज सजेस्ट यू गाइज, नेवर टेक फेक प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एक्चुअली आपके स्किन को हार्म करते हैं. जबकि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही हमें एक्ने या प्रॉब्लम दे देते हैं. सो इट्स बेटर टू बाय ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ओनली. एंड अगर तुम एक चीज़ ले रहे हो तो आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट एक चीज़ तुम दे रहे हो तो उसको अच्छी चीज़ ही लो, क्योंकि इट्स गोइंग टू यू नो अप्लाई इट ऑन योर फेस, और आप नहीं चाहोगे कि आपका फेस ख़राब हो. सो नाउ लेट्स गेट इन द वीडियो एंड आई विल शो यू गाइस व्हाट आई हैव गॉट. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई गॉट दिस 2 full bags, और मैंने अभी बहुत कुछ और लेना है, बट बहुत सारी चीज़ ना अभी आजकल आउट ऑफ स्टॉक है बिकॉज ऑफ क्रिसमस और हॉलीडेज थी, वो भी आई नहीं. बट मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी जब मैं वो सब भी ले लूँगी. तो वो होगा सफोरा हॉल 2.0. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ये मैंने हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक लिया है, बॉम्बशेल. मेरा फेवरेट शेड है. इंडिया में भी मैं ना काफ़ी आने से पहले देख रही थी, आउट ऑफ स्टॉक था, और यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक था. ये मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट शेड है. ये मेरे को लगता है मेरी जितनी भी पिक्चर्स है ज़्यादातर इसी में ही है. सो आई गॉट दिस वन. देन आई गॉट दिस ब्यूटी ब्लेंडर. इट्स मैं एक अपना जो मेरा पहले का ब्यूटी ब्रांड है वो 3 साल से चला रही हूँ. मैंने यहीं से लिया था जब मैं लास्ट टाइम आई थी. उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, वो इतना गंदा हो गया. आई गॉट दिस वन मिल्क प्रेप प्राइम. मतलब यार ये इतना मैंने यूज़ भी कर लिया है, यार ये इतना अच्छा है. आई थिंक इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है. ये मतलब जिनकी स्किन बहुत ड्राई है एंड सेंसिटिव है, गाइस डेफिनेटली ट्राई करना. क्योंकि इसके बाद जब ये आप लगाते हो अपनी मेकअप से पहले या फाउंडेशन से पहले, आपकी स्किन एकदम मतलब परफेक्ट लगती है. मतलब एक ग्लो आ गया स्किन में, और मेरी तो स्किन वैसे इतनी ड्राई रहती है, तो दिस वर्क्स परफेक्ट फॉर मी. आई गॉट दिस अनदर हुडा ब्यूटी लिपस्टिक इन द शेड हनी मून. ये भी मैंने अभी स्टार्ट कर रिसेंटली लगाना. इट्स वेरी नाइस शेड. मुझे ना ज़्यादा पिंकी और ऑरेंज और मुझे लाइट शेड ज़्यादा पसंद है, मुझको ज़्यादा सूट करता है. आई गॉट माई फर्स्ट फाउंडेशन, मतलब जो लग्जरी में आता है, इट्स लाइक जॉर्जियो अर्मानी. मुझे बड़ा वाला चाहिए था, बट आई स्टिल वॉन्टेड ट्राई कि मेरे पे सूट करेगा. नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा. मैंने वहाँ पे ही लगा कर देखा था कि कैसा लग रहा है. बहुत ही अच्छा लग रहा था. मैंने अभी तक खुद पर ट्राई नहीं करी. इट्स न्यू एंड या आई एम इन द शेड 6. ऐसे नंबर ही लिखा हुआ इस पर 6. देन आई गॉट दिस सैम्पल ऑफ नार्स फाउंडेशन. मेरा शेड अवेलेबल नहीं था. एंड यहाँ के सफोरा की ये एक अच्छी बात है दैट दे गिव यू सैम्पल्स. मतलब वो अपना बॉटल से निकाल के आपको एक छोटी सी कंटेनर में डाल के दे देंगे लाइक दिस. और ये आप 2-3 बार ही लगा के मतलब यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी नाइस. और इतने ज़्यादा स्वीट है. और यहाँ पे ये पॉलिसी भी है कि अगर आपका फाउंडेशन आप आधा भी यूज़ कर लो, या आपको लग रहा है आपका शेड नहीं, रिटर्न करके नया दे देते हो, और ये आपके पैसे भी रिटर्न कर देते, विच इज़ सो नाइस. ये इंडिया वाले कभी भी नहीं करेंगे. वो तो नई चीज़ भी लेने में इतनी दिक्कत करते हैं. आई गॉट दिस ग्लॉस फ्रॉम फेंटी ब्यूटी इन शेड पसी वट एवर. आई डोंट नो हाउ टू प्रमोट दिस. यार ये इतना क्यूट, मतलब इतना प्यारा सा पैकेजिंग है, और इतनी अच्छी है. मतलब मैंने ये लगा के देखा था, इतनी शाइन कर रहा था मेरे लिप्स. एंड आप देख, और हाँ, सब मुझे बोलते हैं कि यार आपने लिप फिलर्स करा के. नो गाइस, मैंने कोई लिप फिलर्स नहीं करा रखे, ये मेरी लिप्स है. एक्चुअली मुझे ना, मैंने अपने बचपन में ना लिप्स बहुत फाड़ती थी या काटती थी, पता नहीं क्या करती थी. तो मैं सोचता ना पपड़ी निकल रही हो तो भी निकाल रही थी. मेरी मम्मी कहती थी मत कर यार, तेरे लिप्स मोटे हो जाएंगे. मुझे लगा शायद इस वजह से मोटे हैं, मैंने जनरली मोटे हैं, आई डोंट नो. बट आई रियली लाइक माई लिप्स. मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है और लोग भी लगता है मेरे लिप्स फिलर्स कराए, बट ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट वन इज आई गॉट दिस कॉन्टोर स्टिक फेंटी ब्यूटी का इन शेड मोका. ये एवरीवन लव्स दिस. मतलब यू नो फेंटी ब्यूटी के कितने लोग फ़ैन हैं, और मुझे
हमेशा से ही चाहिए था. आई डिडंट ट्राई इट येट बट आई विल ट्राई दिस सून. एज यू गाइस नो, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, मैं स्टोरीज डालती रहती थी कि आई एम रियली बिग फैन ऑफ सेलिना. मैं अगर लाइफ में किसी से मिलना चाहूँगी, एक सेलिना और एक शाहरुख खान है. आई लव हर. आई लिटरली लाइक सम हाउ आई जस्ट रिलेट टू हर एंड आई गॉट हर. शी रिसेंटली लॉन्च हर, लाइक रिसेंटली नहीं था, आई थिंक एक दो साल हो गए, हर ब्यूटी ब्रांड विच इज़ रेयर ब्यूटी. और मैंने मैंने रैपर फाड़ दिया. आई बॉट दिस यू नो ब्लश फ्रॉम हर ब्रांड एंड मैंने ये लगाया है और ये बहुत ही अच्छा है. एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर नार्स, उनका लिक्विड वाला, वो बिल्कुल वो भी अवेलेबल नहीं है. आई विल गेट दैट वन टू. उसके बाद किसी ने मुझे बोला आप ये भी ले सकते हो और ये भी सेम वर्क करता है, बट इट एक्चुअली वर्क. मुझे ना लिक्विड ब्लश ज़्यादा अच्छे लगते हैं अब रादर दैन वो पाउडर वाले. इट्स वेरी नाइस. आई नो इट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया बट बट इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. आई गॉट द बेस्ट कंसीलर इन दिस वर्ल्ड. ये सच्ची में बेस्ट कंसीलर है, एक ये और एक टू फेस्ड वाला. दीज टू आर लिटरली द बेस्ट कंसीलर आई हैव एवर यूज इन माई लाइफ. एंड टार्ट का तो कंसीलर यू नो इट्स द बेस्ट. मेरा शेड इसमें है, आई मीन लाइट सैंड 20S. आई गेस आई हैव रिसीव दिस नार्स फाउंडेशन. मेरे को फाइनली बहुत टाइम बाद जाके लास्ट वीक ही लिया मैंने ये फाउंडेशन, मिल गया मुझे मेरे शेड में. एंड मेरा शेड है मीडियम इन मीडियम टू सैंटा. और ये ना अभी नया लॉन्च हुआ है इनका, जो पहले ये ना अपने फाउंडेशन चेंज करते रहते हैं और जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए ये अपनी न्यू फॉर्मूला बनाते हैं. एंड मैं अभी पैकेजिंग खोल कर दिखाती हूँ. इट्स लुक नाइस. छोटी सी बॉटल है बट आई विल गेट अनदर वन. सो ये और ये उन्होंने मुझे बताया है कि ये लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन है, मतलब ये न्यू फॉर्मूला है उनका. और ये कहते हैं बहुत अच्छा लगेगा आपके फेस. मैंने एक्चुअली ट्राई उन्होंने लगाया था एंड it was actually looking very nice and totally आपकी skin change. अभी मैंने जो अपने face पर foundation लगाया था, अभी मैंने अपने face पर पता क्या लगाया, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, बस blush लगाया और मैंने concealer भी नहीं लगाया क्योंकि मैं ना रोज मेकअप करना मुझे पसंद नहीं है. एंड मैं अभी जा रही हूँ शॉपिंग करने. रोज मैं फाउंडेशन या कंसीलर लगाऊंगी तो मेरे जो फेस है ना खराब हो जाएगा. यू शुड गिव लाइक मैं कोई नहीं करती, मैं मेकअप ट्वाइस अ वीक ही करूँ, उससे ज़्यादा ना करूँ. और अगर मेरे को करना होता है ज़्यादा कुछ, मैं आँखों आँखों पे कर लेती हूँ, यहाँ पे ब्लश लगा लेती हूँ. आई डोंट अप्लाई कंसीलर और फाउंडेशन क्योंकि इट्स मतलब जितने भी तुम अच्छे प्रोडक्ट्स दे लो, यू नो आई टेल यू गाइस दैट इट एक्चुअली हार्म्स योर स्किन. तो मैं अपनी स्किन को ज़्यादा फ्री रखना चाहती हूँ ताकि उसको मिले और मेरी स्किन अच्छी रहे. सो या देन आई गॉट दिस छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर, क्यूट सा फॉर माई कंसीलर. बेकिंग पाउडर फ्रॉम लोरा मर्सियर. This is the only baking powder which I use and I absolutely love this. और बहुत सारे makeup artists हैं जो यही use करते हैं generally कह रहे हैं, बहुत सारे makeup artists हैं जो सबसे ज़्यादा यही use करते हैं. Let's see what's next now. I got this bronzer from Too Faced. ये मैंने जब इंडिया में लॉन्च हुआ था और यहाँ नायका पर मैंने तब लिया था. एंड इसकी फ्रेगनेंस जस्ट लाइक अ चॉकलेट, मुझे खा जाऊँ मैं इसको. और इसका शेड भी बहुत अच्छा है, मेरे फेस पर काफ़ी सूट करता है. पहले मैं ब्रॉन्जर कॉन्टूर ये सब नहीं कर रही थी, मुझे लगता मेरे फेस को काला कर रहा है. बट नाउ आई वांट टैन लुक क्योंकि यही ट्रेंडी चल रहा है आजकल, टैन लुक ग्लोई सा. सो आई गॉट दिस ब्लश फ्रॉम टू फेस्ड. ये ब्लश हाईलाइटर की तरह भी काम करता है. ये मतलब इसमें ब्लश भी है और हाईलाइटर भी है. आपको हाईलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं अगर आपने ये ब्लश लगा लिया. इसमें क्यूट सा बेबी भी है मेरी तरह, क्यूट है ना मेरी तरह. आई गॉट दिस मॉर्फी ब्रश टू. ये फाउंडेशन ब्रश है. एक्चुअली मुझे मॉर्फी का ब्रश सेट लेना है बट मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ. अगर पहले मैं इसको सर्च करूँगी गूगल वगैरह पे, पहले मैं देखूँगी कौन सा क्या यूज़ करना है एंड देन आई विल गेट द मॉर्फी ब्रश सेट. अभी मैं सिर्फ फाउंडेशन वगैरह लिया है क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था. आई एम बॉट दीज मास्क शीट्स क्योंकि मैं संडे को हमेशा मुझे ऐसे चाहिए, मुझे एक मास्क शीट लगानी ही लगानी है. आई गॉट दिस छोटू सा प्राइमर मेरी तरह, मैं तभी छोटी नहीं हूँ,
अब तो छोटा सा प्राइमर लिया है, मेरे पास बड़ा वाला भी है, बट मैं सोच रही मैं ट्रैवल कर रही होती है वो, तो मुझे छोटे मिनी चीज़ें भी चाहिए ताकि मैं इजीली अपने बैग में डाल सकूँ. सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई गॉट. आई स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन मेकअप. मैं कल मतलब मुझे ना कलेक्ट करने का बहुत शौक है. मेरे घर में ना मेरे पास है वैनिटी, मैंने अपना ना घर भी रेनोवेट कराया है, मैंने अपना रूम वैनिटी वगैरह बनाई है. मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया बट आई विल मेक दैट. और मैंने बना कि मैं भी अपनी पूरी वैनिटी में अपना पूरी कलेक्शन रखूँ, चाहे मैं उसे यूज़ करूँ या नहीं, बट आई वॉन्ट टू मेक माई वैनिटी फुल. और या आई एम लव टू कलेक्ट थिंग्स, मुझे शौक है बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने का, चाहे मुझे यूज़ भी ना करूँ. दिस इज़ वॉट आई गॉट एंड I hope you guys like this video and don't forget to comment, like and subscribe to my channel and let me know what you guys want to see. और मुझे आजकल मतलब काफ़ी सबसे ज़्यादा recommended video मेरी fitness journey और मैं skinny से कैसे gain हुई और मैं लोग कहते हैं कि मैं tone कैसे करूँ ये सब. So I will make the video on it for sure. और मुझे थोड़ा time दो, मैं वो भी बनाऊँगी. So I hope you guys enjoyed this video. मैंने सब पूरा हॉल देखा. And don't forget to comment, like and subscribe to my channel. Love you all. Bye.